यूपी के जनपद बांदा में पुल के नीचे मिला युवक का शव इलाके में मची सनसनी। बांदा में आज एक युवक का शव केन नदी के पुल के नीचे बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। आपको बता दें, घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के केन नदी की है, जहाँ पर आज केन पुल के नीचे युवक का शव मिला है। मृतक शहर कोतवाली क्षेत्र के कंचनपुरवा मोहल्ले का रहने वाला है। परिजनों की माने तो जिस स्थिति में युवक का शव पड़ा मिला है, उसकी स्थिति तो यही है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राधेश्याम गुप्ता, सत्यजन सिंह, बांदा। कहाँ के रहने वाले हैं? यही कंचनपुर। अच्छा, दो है आपको? मेरा भतीजा है सर। अच्छा, तो क्या हुआ? अब ऊपर से गिरा है। अब वो कैसे गिरा है? जैसे ऐसे सो रहा है। पहले मीडिया वाले आए, हमने उनको दर्शाया, यही कहा। तो क्या लगता है, आत्महत्या या हत्या? हमें लगता है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। हत्या है। अच्छा, संदिग्ध हमें लग रहा है। तो हम इसके लिए कहे, तो पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं, पुलिस ने वीडियो बना लिया। कब आई हमने जब सूचना दिया तब आई पुलिस, अपने आप छोड़ आई। क्या लगता है, हत्या हुई है? हो सकता है, किसी से कोई देखा तो नहीं है। किसी से कोई रंजिश चल रही? कोई रंजिश नहीं है किसी से। क्या करता था लड़का, कितने उम्र का था लड़का? वही 17-18 साल का होगा। अच्छा, कुछ पढ़ता वढ़ता था ना? नहीं, पढ़ता नहीं था, तो दिमाग से संतुलन खराब था उसका। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है चाचा? हमने बता तो दिया एक बार। ठीक ठीक। हत्या का वो मामला है, क्या है जी? ये आपके लिए बता दें, ये हत्या का मामला नहीं प्रतीत हो रहा है। जो इसका भाई है, जो मृतक है, मृतक का भाई हमारे तहसीलदार सदर का ड्राइवर है, उसका नाम पवन है, और उसके छोटे भाई का नाम शिवम था। शिवम 22-23 वर्ष का था, मानसिक रूप से थोड़ा स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, और ये शाम को घर पे खेल रहा था। वहाँ से रेलवे की पटरी पर वो अपना चलते हुए चला गया, और उस दौरान गाड़ी आने के दौरान संभवतः वो वहाँ से कूद करके या गिर करके उसकी पत्थर पे, केन नदी के भीतर वो पत्थर पे गिरा, जिसकी वजह से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि उसकी मृत्यु हुई है। और शेष हम, अगर कोई और कारण होता है उसके लिए, हम बाकी जो पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई होती है वो सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं, और जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी उसमें आगे की जाएगी। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं जी, जो भी चीज़ें हैं उसकी हम जांच करवाएंगे प्रॉपर, और पुलिस की कार्रवाई होगी। जो भी हमारे यहाँ जो भी चीज़ें आएंगी, हम पुलिस उस पर पूरी कार्रवाई करेगी।